एक ओर प्रशासन ननिहालों के लिए नए नए जतन कर रही है, आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण रूप से सुसज्जित करने, केंद्रों में टीवी कूलर डिजिटल कर मॉडल बनाने की लगी है। वहीं दूसरी ओर उड़ीसा सीमा से लगे बागबहरा के अंतिम छोर के ग्राम झलमला आंगनबाड़ी में बच्चों को जर्जर बिल्डिंग नसीब हो रही है, जिसने प्रत्येक घंटे बच्चों पर खतरा सर के ऊपर मडराते रहता है। महासमुंद जिले के बागबहरा ब्लॉक के ग्राम झलमला आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। दो दिन पहले हुई बारिश में छत भी टपकने लगा, जिसके बाद भी इस आंगनबाड़ी केंद्र में आज बच्चों को मजबूर वश बैठाया गया था। यहाँ 3 साल हो गए है, यहाँ मतलब बच्चे लोग को पढ़ने में दिक्कत जाता है, पानी बहुत टिपकता है यहाँ पे, और ये बात पंचायत को भी सूचना किए थे पर उसका कोई ध्यान नहीं दिया है। और सरपंच को बोलता हूँ कि मतलब वहाँ पानी टिपक रहा है, उसको मरम्मत किया जाए, तो बोले कि नहीं, आंगनबाड़ी दूसरा भाग से आता है, उसको हमारा काम नहीं है करके बोलते हैं। इसलिए हम लोग बच्चे लोग को भी स्कूल नहीं भेजते। बता दें कि इस आंगनबाड़ी केंद्र में 34 बच्चे अध्ययनरत है। इस भवन को जर्जर हुए लगभग 3 वर्ष हो गया है। वहीं इस भवन के मरम्मत हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सरपंच को लिखित में आवेदन दिया जा चुका है एवं मौखिक रूप से विभाग को भी सूचित किया गया है, लेकिन अभी तक किसी जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अमला ने इस जर्जर भवन को ठीक कराने की कोई पहल अब तक नहीं किया है। आंगनबाड़ी भवन के बारे में कहां सुने हो, कहां सुने? हाँ, मैंने आंगनबाड़ी के बारे में बताएगी से मन की सरपंच ने बोले हैं और आगे कागज भी भेजे हैं, हमन भी आके देखा था तो आंगनबाड़ी के भवन है एकदम खराब है, पानी भी टपका थे, और स्थिति हम कहा था लेकिन मतलब मत भेजो, कभी भी हादसा आ सकते, ऐसे संग के सोच के अपन बात रखा था। बरसात में क्या स्थिति रहते थे? बरसात में भी वही वैसे छाला थे। गौरतलब है कि ग्रामीण थोड़ी सी बारिश होने पर बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र नहीं भेजते हैं, क्योंकि कभी भी बड़ी दुर्घटना बच्चों के साथ घट सकती है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र में अव्यवस्था का ऐसा आलम है कि इन छोटे छोटे बच्चों के लिए पेयजल के लिए खुद की व्यवस्था नहीं है। वहीं शौचालय भी जीर्ण छीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। आंगनबाड़ी की स्थिति इतनी खराब, इतनी जर्जर हो गई कि अभी पानी टपक रहा है, इसके लिए आपने कभी आवेदन दिया है? जी दी हूँ, सरपंच को दी हूँ और मैडम को भी बोली थी, तो उन लोग बोले कि सरपंच को देर में अपने पंचायत में, उसके बाद जो भी आवेदन बना है उसको व्हाट्सएप के जरिए हम लोग को भेजना है, उन लोग को भेजी हूँ, जानकारी दी हूँ। मैडम भी आई थी उस समय देखने के लिए, देखी भी है और देख कर गई भी है, और इंजीनियर लोग भी आए थे बीच में, उन लोग भी देख कर गए हैं। तो जो पानी गिरता है, पानी टपकता है, बच्चों को पढ़ाने किस तरह से आप पढ़ाते हैं? बस जहाँ पर थोड़ा सा सूखा रहता है वहीं पर बच्चे लोग को खड़ा करा देती हूँ सर, बैठने के लिए तो नहीं बोल सकती क्योंकि नीचे पूरा पानी पानी ही रहता है, तो बैठ नहीं पाते, हम लोग भी वैसे ही रहते हैं बस। महासमुंद से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट, बस देखते रहिए CG Vision TV।